खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणि नाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। ईपीएफओ सदस्यों के लिए आई क्या खुशखबरी? कहां बिक रहे सबसे ज्यादा लग्जरी घर? किस कंपनी में हुआ छटनी का ऐलान, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में पीएफ वालों के लिए बढ़िया खबर है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ सदस्य अब अपने या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पीएफ खाते से 1,00,000 रुपए निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है। ईपीएफओ के अनुसार सदस्य या उस पर आश्रित जब 1 महीने या उससे ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती हो, अस्पताल में बड़ी सर्जरी से गुजरना हो या टीबी, पैरालिसिस, कैंसर, मेंटल इलनेस या दिल की बीमारी हो तो एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी या फिर उसके मरीज को सरकारी अस्पताल में एडमिट होना जरूरी है। अगर आपने मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया है तो इस बारे में जांच होने के बाद ही आप क्लेम ले सकेंगे। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में इजाफा करने का फैसला किया है। आईसीआईसीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने 2 से 5 करोड़ रुपए की बल्क एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल की बल्क एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को 4.5% से लेकर 7% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सबसे ज्यादा दर 1 साल से 379 दिन की एफडी पर ऑफर हो रहा है। इसमें बैंक 7.25% ब्याज सामान्य और सीनियर सिटीजन को ऑफर कर रहा है। अप्रैल महीने में यह तीसरी बार है जब बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इससे पहले बैंक ने 1 अप्रैल और 9 अप्रैल को अपनी ब्याज दरों में इजाफा किया था। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में म्यूचुअल फंड से जुड़ी खबर है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए वित्त वर्ष 2024 बेहतरीन साबित हुआ है। एम्फी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 तक एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का आंकड़ा 53.40 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। पिछले मार्च 2023 में यह आंकड़ा 39.42 लाख करोड़ रुपए था। इस हिसाब से देखें तो एक साल में 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड बनाया था जब 41% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। इसके बाद अब वित्तीय वर्ष 2024 में दूसरा रिकॉर्ड करीब 35% की ग्रोथ का बना है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर लग्जरी अपार्टमेंट की डिमांड के मामले में देश के दूसरे बाजारों से आगे है। मार्च तिमाही के दौरान दिल्ली एनसीआर में हुई नई लॉन्चिंग में अकेले लग्जरी अपार्टमेंट का हिस्सा 61% रहा। इससे पता चलता है कि दिल्ली एनसीआर के बाजार में लग्जरी घरों की डिमांड तेज है। वहीं कुल लॉन्चिंग में मुंबई और बेंगलुरु के लग्जरी अपार्टमेंट की हिस्सेदारी क्रमशः 26% और 19% रही। कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट में उन घरों को लग्जरी कैटेगरी में रखा गया है जिनकी कीमत कम से कम 15,000 रुपए प्रति वर्ग फुट है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने भारत में टीवी की नई रेंज लॉन्च की है। इस रेंज में नियो क्यूलेट 8K, नियो क्यूलेट 4K और ओलेट टीवी मॉडल शामिल हैं। बेंगलुरु के सैमसंग ओपेरा हाउस में हुए अनबॉक्स एंड डिस्कवर इवेंट में पेश किए गए ये टीवी 55 इंच से लेकर 98 इंच साइज में अवेलेबल हैं। सैमसंग का कहना है कि नए टीवी कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर से लैस है। एआई से विजुअल एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। साउंड में भी एआई का इस्तेमाल किया गया है जो बैकग्राउंड नॉइस को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली वॉल्यूम एडजस्ट कर देता है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। टेक जॉइंट गूगल की ओर से 2024 की पहली छटनी का ऐलान किया गया है। कंपनी ने ये छटनी रीस्ट्रक्चर प्लान के तहत की है। अमेरिका मीडिया की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। छटनी की ये सूचना कंपनी के CFO रूथ पोराट ने मेमो के जरिए दी है और कंपनी के नए प्लान के बारे में बताया। बता दें कि कुछ समय पहले गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी ले ऑफ को लेकर बयान दिया था। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर कितने कर्मचारियों की छटनी की गई है, लेकिन रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इस छटनी का सबसे ज्यादा असर फाइनेंसिंग डिवीजन के लोगों पर हुआ है। वहीं इस छटनी का असर एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व के गूगल के कर्मचारियों पर पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कंपनी बेंगलुरु, डबलिन, मेक्सिको सिटी, अटलांटा और शिकागो में सेंट्रल हब बनाने जा रही है।
तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूँ विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।